मंगलवार को सेक्टर 4 की दो पानी टंकी जो जर्जर हो चुकी थी भर भर आकर धराशायी हो गई, जिसे देखते हुए बीएसपी प्रबंधन होश में आ चुका है और अब सभी टाउनशिप क्षेत्रों में जर्जर हुए टंकियों का मुआयना करने के बाद टंकियों के आसपास रहने वाले लोगों को क्षेत्र खाली करने कहा जा रहा है। गौरतलब है कि मंगलवार के दिन भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 4 इलाके में दो जर्जर पानी की टंकियां भर भरा कर गिर गईं। यह तो भगवान का शुक्र है कि इनमें किसी जान माल की हानि नहीं हुई, परंतु एक चीज अच्छी हुई कि बीएसपी प्रबंधन अब होश में आ गया है और अब अपने टाउनशिप क्षेत्र की सभी जर्जर हुई पानी की टंकियों के आसपास रहने वाले लोगों को वहां से हटाने की हिदायत दे रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में बुधवार को नगर सेवाएं विभाग के अधिकारी और सीआईएसएफ के जवान बड़ी मात्रा में सेक्टर 6 साईं मंदिर के सामने फूलों का व्यापार करने वाले लोगों के पास पहुंचे और वहां उन्हें एक दिन का समय दिया और कहा कि अपनी दुकान अन्यत्र जगह जहां आपको अच्छा लगे वहां शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि साईं मंदिर के सामने बनी टंकी भी जर्जर हो चुकी है। इस पर फूल व्यापारी संघ के अध्यक्ष एवं क्षेत्र के पूर्व पार्षद की अगुवाई में व्यापारियों की एक मीटिंग हुई, जिसमें सभी व्यापारियों ने नगर प्रशासन विभाग साथ देना ही उचित समझा और उनका कहना है कि जान रहेगी तो व्यापार करेंगे, परंतु एक दिन का समय काफी नहीं है, इसलिए वह नगर सेवाएं विभाग से दो दिन की मोहलत और मांगने का इरादा बना रहे हैं। इस मीटिंग में शामिल पूर्व पार्षद सूर्यकांत सिन्हा भी फूल व्यापारी संघ के लोगों का पूर्ण सहयोग करने की बातें कह रहे हैं। नोटिस वगैरह नहीं दिए हैं, बातचीत वगैरह सब साहब लोग आए थे, स्टेट वाले आए थे, तो हम लोग उसको जहाँ तक साहब लोग बोले कि इस एरिए को हटा लो, तो हमारे सब दुकानदारों को हम लोग वहाँ से हटा रहे हैं और जैसे हमारी कोई दुकानें हैं तो उसमें जगह दे रहे हैं या फिर आगे में जो जगह है वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। 15 दुकान है करीब, पीछे उधर साइड 10-15 दुकान है, इधर करीब 15 दुकान है, तो इसको भी हटा लेंगे हम लोग और दूसरी जगह बाजू में चर्च के सामने शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं देखिए, पानी टंकी है तो फिर से बनेगा, वो जैसे साहब लोग बोल रहे हैं कि ये बन सकता है फिर से, जैसे बनेगा उसके बाद फिर लोगों को इधर शिफ्ट कर देंगे। जी टेम्प्रोरी टाइप का, जी दुकानें भी हमारी टेम्प्रोरी है, इसलिए हम लोग टेम्प्रोरी टाइप का इधर शिफ्ट कर रहे हैं आधे लोगों को। आधे लोग? जी जी, आधे लोग जहाँ तक उन्होंने चिन्हांकित किया हुआ है कि यहाँ तक आपको हटाना है करके, क्योंकि जान माल का खतरा है, तो हम लोग भी बोल रहे हैं कि ठीक है अपन लोग उधर शिफ्ट हो जाते हैं, तो आधे लोग जो प्रभावित हो रहे हैं उनको उधर शिफ्ट करें बाजू में चर्च के साइड में। देखिए क्या है, जान से तो बढ़कर नहीं है धंधा, है ना, जान रहेगा तभी तो धंधा करेंगे। तो आप जी, मैं ये बताऊंगा कि अभी पिछले दिनों विगत दिनों सेक्टर 4 में एक बड़ी टंकी पानी की वो गिरी और ये हम लोग सबका ईश्वर की कृपा है, वहाँ किसी तरह की जनमाल की नुकसान नहीं हुई और उसी को देखते हुए कल एक हाई लेवल कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें महापौर विधायक जी और हम लोग सब शामिल थे। वहाँ एक निर्णय लिया गया कि ऐसे जितनी भी पानी टंकी या ऐसे भवन हैं जो क्षतिग्रस्त हैं जिससे नुकसान बड़ा हो सकता है, उनको त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ से प्रभावित लोगों को हटाया जाए, विस्थापित किया जाए। उसी के तारतम्य में आज एक टीम यहाँ आई थी, सर्वे टीम, उसके द्वारा निर्णय लिया कि ये पानी टंकी भी खतरे के दृष्टि से काफ़ी गंभीर दिख रही है, इसलिए कुछ फूल वाले जो हैं जो उस प्रभावित क्षेत्र के इर्द गिर्द आते हैं उनको वहाँ से विस्थापन के लिए कहा गया। ये फौरी तौर पर एक वैकल्पिक व्यवस्था है, वहाँ से परमानेंट उनको हटाने के लिए नहीं कहा गया है। तो हम लोग सब आपसी सहमति से कुछ दिनों के लिए, जब तक नई टंकी वहाँ पर निर्मित नहीं हो जाती तब तक के लिए एक व्यवस्था बना रहे हैं आपसी चर्चा करके एक सहमति से, ताकि किसी फूल वाले का ना तो जनमाल की हानि हो ना ही उसके व्यवसाय रोजी रोजगार में नुकसान हो, एक व्यवस्था बनाने के प्रयास कर रहे हैं सबकी सहमति से। एक तरफ जहां बीएसपी प्रबंधन सेक्टर 2 में मिलते डेंगू के मरीजों को लेकर परेशान है, तो वहीं अब उनके सामने जर्जर पानी की टंकियां एक समस्या बनकर सामने आ गई हैं और इस समस्या के समाधान के लिए बीएसपी प्रबंधन हरकत में आ चुका है और युद्ध स्तर पर कार्य भी शुरू कर दिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।